ध्वनि भाग छे मानव कर्ण। पिछले वीडियो में हमने सोनार और पराध्वनि के बारे में जाना। इस वीडियो में हम मानव कर्ण यानी ह्यूमन ईयर के बारे में जानेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि कैसे ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। अब देखते हैं कि हम कैसे ध्वनि को सुन पाते हैं। मानव अति संवेदी युक्ति कान की मदद से ध्वनि को सुन पाते हैं। मानव कर्ण श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। ये संकेत श्रवण तंत्रिका से होते हुए दिमाग में पहुंच जाते हैं। अब मानव कर्ण के श्रवण भागों के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। मानव कर्ण की इस तस्वीर पर नजर डालो। जैसा कि तुम तस्वीर में देख सकते हो, मानव कर्ण मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बटा है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। भारी कान में कर्ण पल्लव और श्रवण नलिका होते हैं। मध्य कान में मुख्य रूप से तीन हड्डियां, मुग्धरक, निहाई और वलयक तथा यूस्टे की नलिका भी होती है। आंतरिक कान में कर्णावर्त और श्रवण तंत्रिका होती है। बाहरी कान का कर्ण पल्लव आसपास की ध्वनि को इकट्ठा करता है और फिर ये ध्वनि श्रवण नलिका से होकर गुजरती है। इसके बाद ध्वनि कर्णपटह या कर्णपटह झिल्ली तक पहुंचती है। जब माध्यम के संपीड़न कर्णपटह तक पहुंचते हैं तो इससे झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और ये कर्णपटह को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार जब माध्यम का विरलन कर्णपटह तक पहुंचता है तो ये कर्णपटह को बाहर की ओर गति कराता है। इस प्रकार कर्णपटह में ध्वनि से कंपन शुरू हो जाते हैं। फिर मध्य कर्ण की तीन हड्डियां मुग्धरक, निहाई और वलयक कर्णपटह में उत्पन्न कंपनों को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसके बाद मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचरित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा दिमाग तक भेज दिया जाता है और दिमाग इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है और इस प्रकार मनुष्य अपने आसपास की ध्वनि को सुन पाते हैं। इस वीडियो में हमने मानव कर्ण यानी ह्यूमन ईयर के बारे में जाना।